सो हे गाइस, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले कि कैसे आप अपना जो इंस्टाग्राम रहता है एप्लीकेशन, उस पर आप कैसे आप आईडी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने जो है यहाँ पे बेसिकली पहले से आईडी क्रिएट करके रखा हूँ, तो मैं आपको ऐड अकाउंट करके बताऊँगा दैट आप कैसे जो है, एक अगर आपने अकाउंट ओपन ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, एंड अगर आपको सेकेंड अकाउंट ओपन करना है तो आप कैसे उस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक, तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम एप्लीकेशन जो है यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने ओपन किया, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे आइकन है आपका, ठीक है, या फिर आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो है, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो चैनल का नाम होगा, आई मीन टू से दैट यहाँ पे जो आपका जो नाम होगा, यूज़र नेम वगैरह, तो वो आपको डिस्प्ले होगा। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने बहुत सारे बनाए इसलिए आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, बट यहाँ नीचे जो है यहाँ पे आपने बनाया पहले से अगर एक चैनल, तो यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा जो है ऐड अकाउंट का, तो यहाँ पे आपको सिंपली ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जिसमें से एक पहला जो है वो है लॉग इन टू एग्जिटिंग अकाउंट, और दूसरा जो है क्या है, क्रिएट न्यू अकाउंट। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आपने क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक किया, साइट लोड होगी और उसके बाद यहाँ पे आपको ये यूज़र नेम आपका पूछेगा। ठीक है, तो मैं रैंडमली कोई भी एक यूज़र नेम ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने लिया गोल्डन। ठीक है, तो अब जो है ये यहाँ पे खुद से आपको नाम सजेस्ट करेगा दैट यहाँ पे आप कौन कौन से नाम जो है यहाँ पे आप यूज़र नेम के लिए चॉइस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी एक नाम जो है यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, मैं जो है यहाँ पे फर्स्ट वाला चॉइस कर लेता हूँ, एंड देन जो है उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, मीन्स आपको यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा इन द सेंस कि आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, और आपको ये बात याद रखना है कि आपका जो पासवर्ड है वो मस्ट बी 6 कैरेक्टर का होना चाहिए या फिर 6 से ज़्यादा, यानी आप कोई भी कैरेक्टर चॉइस करो, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो या नंबर हो, उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो पासवर्ड है वो बेसिकली 6 कैरेक्टर का या फिर 6 से ज़्यादा कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने पासवर्ड जो है बना लिया है। ठीक है, अब उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा दैट आपको क्या ये जो पासवर्ड है इसको गूगल पे सेव करना है। अगर आपको सेव करना है तो आप सेव पे क्लिक कीजिए, नहीं सेव करना है तो आप नॉट नाउ पे क्लिक कीजिए। मुझे सेव करना है तो मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, दूसरी चीज़, यहाँ पे जो है आपका जो है जो यूज़र नेम है उसके नाम से आपकी आईडी जो है क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है पहला ऑप्शन दैट साइन इन को आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, या फिर सेकेंड थिंग कि आप यहाँ पे जो फ़ोन नंबर है उसको या फिर ईमेल आईडी को जो है ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट साइन इन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टरिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रजिस्टर करना जैसे ही स्टार्ट करेगा, साइट लोड होने लगेगी, और लोड होने के बाद जो है आपको यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन दिखाएगा दैट अगर आपका फेसबुक पे अकाउंट है तो वो आपको रिकमेंड करेगा दैट वहाँ से आप कोई भी फ्रेंड्स को जो है वहाँ पे आप इनवाइट कर सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं दैट आपने जो है इंस्टाग्राम पे कोई आईडी ओपन की है। ठीक है, तो वहाँ से आपको यहाँ पे फाइंड फ्रेंड का ऑप्शन पे क्लिक करना है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ से नहीं करना है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ओके, जैसे ही मैंने स्किप पे क्लिक किया, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे मेरे को एक और ऑप्शन आ जाता है जो कि लिखा है दैट इंस्टाग्राम इज़ मोर फन व्हेन यू फॉलो फ्रेंड्स एंड सी देयर पोस्ट, आर यू श्योर दैट यू वांट टू स्किप दिस स्टेप। मींस यहाँ पे वो सिंपली बोल रहा है दैट इंस्टाग्राम तब आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, जब आप अपने फ्रेंड्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, या फिर उनके साथ जो है पोस्ट जो आपने की है। ठीक है, अब बेसिकली जो है ज़्यादा करके लोग जो है अपने पोस्ट शेयर करने के लिए इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं। यहाँ पे वही बोल रहा है दैट अगर आप अपने फ्रेंड्स लोग के साथ अगर इंस्टाग्राम का पोस्ट शेयर करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दैट आर यू श्योर दैट यू वॉन्ट टू स्किप दिस स्टेप। अगर आप श्योर है कि आपको ये स्टेप जो है स्किप करना है तो आप बताइए। अगर मेरे को स्किप करना है तो मैं स्किप पे क्लिक करूँगा, अगर मेरे को फॉलो फ्रेंड्स करना है तो मैं फॉलो फ्रेंड्स पे क्लिक करूँगा। अभी मुझे फिलहाल के लिए स्किप करना है, मैं स्किप कर दूँगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ये आपसे प्रोफाइल फ़ोटो का ऑप्शन मांग रहा है। ठीक है, अगर आपको प्रोफाइल फ़ोटो अभी ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो बाद में जब आपकी आईडी पूरी तरह से क्रिएट हो जाएगी उसके बाद भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। अब यहाँ पर जो है आपको कुछ फेमस जो जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ठीक है, जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, इंस्टाग्राम है, नाइकी है, लायनल मेसी है, ठीक है, काफ़ी सारे, इसको आपको वो बोलेगा, रिकमेंड करेगा दैट आप इसमें से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे सिंपली एरो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आपकी आईडी जो है क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर पे आप अगेन जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हैं आपकी आईडी जो है वहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ओके,
अब यहाँ पे जो है आपको एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। एडिट प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे, आपको पहला ऑप्शन मिलेगा क्रिएट योर अवतार का। देखिए बेसिकली ये जो क्रिएट योर अवतार का ऑप्शन है ना, ये पहले नहीं आता था, लेकिन अब भी जो है इंस्टाग्राम ने न्यू फीचर ऐड किया है, ठीक है। अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पर क्रिएट अवतार का ऑप्शन पर क्लिक करके आप अवतार जो है क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे नहीं करना इसलिए मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको मैं बता देता हूँ। दैट यहाँ पे आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो का है। अगर आपको यहाँ पे जो है अपना प्रोफाइल फ़ोटो ऐड करना है तो आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे जो है आपका काम हो जाएगा। मीन्स वहाँ पे आप ऑप्शन आएगा और उसके बाद आपको गैलरी या कहीं से भी आपने प्रोफाइल फ़ोटो लगाने तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे अवतार का, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अवतार का, आपको जो अवतार का जो स्टार्टिंग में ऑप्शन आया था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था दैट इंस्टाग्राम में न्यू फीचर लॉन्च किया है, तो उसके बारे में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सेकंड आपको यहाँ पे नेम का सजेस्ट करेगा दैट आप यहाँ पे नेम डालिए। एंड नेम जो है ना वो ज़रूरी होता है, और अगर ये अच्छा रहे कि अगर आप जो चैनल है आपका, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि दैट जो आपका आईडी है, आईडी जिस नाम से आप उसी से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन मैं अभी जो है फ़िलहाल गोल्डन वर्ल्ड 2 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बायो का बोलेगा, ठीक है। तो आपने काफ़ी सारे बायोस पे देखा होगा दैट इंस्टाग्राम आईडी पे देखा होगा कि डैट वो लोग बायो डालते हैं, बायो से एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग जो है यहाँ पे आपको ऐड लिंक, अब ऐड लिंक यानी कि आप कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना जो यूट्यूब का जो लिंक होता है वो इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मतलब ऐड करते हैं, तो वहाँ पे जो उनके प्रोफाइल है उस पे डिस्प्ले होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपकी फेसबुक की आईडी है तो फेसबुक की आईडी को भी आप यहाँ पे जो फेसबुक की आईडी का जो लिंक है आपके उसको भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ओके। एंड जो लास्ट है उसके बाद जो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पहला जो है वो है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, दूसरा जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेटिंग। अगर आपको कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड सेटिंग करनी है यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ नेम चेंज वगैरह कुछ भी हो गया, सेकंड ऑप्शन पर आप क्लिक करके कर सकते हैं। और अगर आपको प्रोफेशनल अकाउंट पर क्लिक करना है, जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे काफ़ी सारे अकाउंट रहते हैं जिन्होंने अपने अकाउंट्स को प्रोफेशनल अकाउंट किया रहता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है उन्हें जो है वहाँ पे पोस्ट क्रिएट करने रहते हैं एंड उन्हें अपने फॉलोअर्स बढ़ाने रहते हैं, क्योंकि उन्हें जो है अर्निंग वहाँ से करनी रहती है, इसीलिए तो ये इसका रीज़न है, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। मैं इस पर आपको नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बना के दे दूँगा कि कैसे आप प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ओके। अब इसके बाद जो है आपका अगर सारा काम अगर हो गया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे टिक का ऑप्शन है, इस पर टिक के क्लिक कर देंगे और उसके बाद जो है आपका सारी चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे नीचे आपको काफ़ी सारे लोग दिख रहे होंगे जिसको आपको बोलेंगे मतलब जो है फॉलो करने के लिए, तो ये आपकी मर्ज़ी है, ओके। अब आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं, बाय बाय।